गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बेटा हम टाइप्स ऑफ सॉइल डिस्कस करेंगे। हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसके अंदर बेटा अलग अलग टाइप की सॉइल होती है। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फाउंड इन अबेंडेंस इन इंडिया। अबेंडेंस का मतलब होता है बेटा भरमार होना किसी भी चीज़ की, ठीक है। सॉइल जो है हमारे इंडिया के अंदर सॉइल जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, स्रोत होता है, जो इंडिया के अंदर आपको क्या मिलता है, अबंडेंस में यानी भरपूर मात्रा में मिलता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। इंडिया के बेटा हर पार्ट की जो सॉइल है वो अलग अलग टाइप की है। इस टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है बेटा वो है ब्लैक सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ ब्लैक इन कलर। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है ब्लैक सॉइल, दैट मीन्स इस सॉइल का कलर कैसा होता है बेटा, बिल्कुल ब्लैक होता है। रीज़न क्या होता है, रिच इन क्ले, क्योंकि इस सॉइल के अंदर बेटा जो क्ले होती है, चिकनी मिट्टी बोलते हैं जिसे, उसकी जो अमाउंट बेटा वो बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लावा सॉइल सिंस इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम लावा रॉक्स। ब्लैक सॉइल्स को और हम किस नाम से जानते हैं बेटे, ब्लैक लावा सोइल के नाम से। रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो किससे हुई है, लावा रॉक से हुई है। दिस टाइप ऑफ सोइल इज़ फर्टाइल एंड मेनली फाउंड इन द डेक्कन प्लेटू रीजन कवरिंग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये जो ब्लैक सोइल होती है बेटा, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी कि उपजाऊ है, ठीक है। जो ब्लैक सॉइल है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये हमें कहाँ पे मिलती है बेटा, डेक्कन प्लेटू के अंदर जो एरियाज़ आते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इन एरियाज़ में कैसी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल किस किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहती है बेटा, कॉटन यानी कपास के लिए, सुगरिंग केन के लिए, गन्ना, वीट यानी गेहूँ के लिए, ऑयल सीड्स जितने भी हैं, चाहे वो मस्टर्ड है, सोयाबीन है, इन सब के लिए बेटा। मिलेट्स का मतलब होता है बेटा बाजरा, तंबाकू, इन सब के लिए क्या है, ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा सूटेबल है। फिर सेकेंड है बेटा रेड सॉइल। रेड सॉइल जो है बेटा वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, बट इसके अंदर रेड कलर होने की वजह से, रेड कलर किस रीज़न की वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर जो आयरन है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। जो रेड सॉइल है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है बेटा, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश के बेटा कुछ एरिया है, महाराष्ट्र के भी कुछ एरियाज में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड के कुछ एरियाज में पाई जाती है। दिस सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड क्रॉप्स लाइक, ये इस सॉइल के अंदर बेटा किस टाइप की हम खेती कर सकते हैं, तो पोटैटोज उगा सकते हैं, ग्राउंड नट, मूँगफली, मिलेट्स, बाजरा, रागी, तंबाकू, वीट, मेज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर उग सकती हैं। फिर आते हैं बेटा एलुवियल सॉइल। This type of soil is fertile and is mainly found in the northern and the coastal plains. जो एलोवियल सॉइल है बेटा, जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये क्या होती है बेटा, पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये आपको बेटा उत्तरी एरियाज़ में, जो प्लेन्स मतलब उत्तरी मैदानों में, या फिर कोस्टल का मतलब होता है बेटा जो तटीय मैदान होते हैं, ठीक है, दैट मीन्स वो एरिया जो पानी, एक तरफ पानी से घिरा होता है, उन एरियाज़ में मिलती है। द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम हिमालय माउंटेंस एंड द डक्कन प्लेटू ब्रिंग लार्ज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट एंड सैंड विच गेट सेटल्ड ऑन द रिवर बैंक्स। जो बेटा रिवर जो हिमालय, जो हमारा हिमालय पर्वत है, वहाँ से जो बहती है, और जो दक्कन प्लेटू के अंदर से जो नदियाँ बहती हैं बेटा, वो अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या लेके आती है, सिल्ट लेके आती है, सैंड लेके आती है, और वो कहाँ पर सेटल डाउन हो जाता है बेटा, धीरे धीरे नदी के किनारों पर सेटल डाउन हो जाता है। जो सिल्ट और सैंड है बेटा, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपकी एलोवियल सॉइल बनाते हैं। इस टाइप की सॉइल आपको कहाँ कहाँ मिलती है बेटा, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब, हरियाणा और कुछ गुजरात के हिस्से में भी। इसके अंदर किस टाइप की कल्टीवेशन हो सकती है, यानी खेती की जा सकती है, जैसे राइस है, चावल, मेज़, मक्का, सुगरकेन, गन्ना, वीट, गेहूँ, तंबाकू, पल्सिस, दालें बेटा, ग्राउंड नट, मूँगफली और बहुत सारी वेजिटेबल्स, ठीक है। तो दैट मीन्स एलोवियल सॉइल के अंदर इन सब चीज़ों की इजीली आप क्या कर सकते हो बेटा, खेती कर सकते हो। कल बेटा लेटराइट, डेजर्ट और माउंटेन सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।